एक छोटी घटना से हम लोग समझे। इस घटना का जिक्र विश्व भारत प्रसिद्ध नहीं, विश्व प्रसिद्ध साहित्य है, पुस्तक है जीत आपकी शिवखेड़ा की। उनके पुस्तक में मैंने पढ़ा था, शिवखेड़ा की पुस्तक है जीत आपकी, जो अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है और कई भाषाओं में है। अब बहुत ज़्यादा बिक्री उस पुस्तक की। उसमें वो लिखते हैं, एक व्यापारी था, व्यापार करता था और बगल में एक पुजारी जो है अपना पूजा करता था, समाधि थी, मंदिर बन गया था वहाँ पर और वहीं पूजा करता था। उसी होकर के जाता था मंदिर में, दो फूल चढ़ा देता था और पुजारी उसका बड़ा प्रेम भाव बन गया था। जब भी जाता कहीं वहाँ मंदिर में पूजा कर लेता, चला जाता और फिर वो व्यापार करके अपना घर आता, घर चलाता था। तो व्यापारी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे को आजतम वो जो क्या कहता है, फेरी जो करता है कपड़ा का गट्ठर लेकर के पीठ पर लाद के चलता है। तो बेचारा बूढ़ा हो गया, व्यापार छोटा नहीं, तो पुजारी को बड़ा दया आ गई, दया आई उसके ऊपर। अब पुजारी ने क्या किया, उनके पास एक गधा था, वो गधा उसको दे दिया, गधा आप ले जाइए, आप मेरे बचपन के मित्र हैं, इस पर बैठ करके आप सामान का व्यवसाय आप शुरू करिए, आप जो है इसको ले जाइए, वहाँ से इसका आप व्यवसाय शुरू करिए। तो वो गधा पर ले जाता था, गठरा लाता, जब थक जाता था गधा पे वो भी बैठ जाता था। उसको व्यापारी बढ़िया चलने लगा, व्यापार बढ़िया चलने लगा, खूब बढ़िया चला। अभी सुन रहे थे, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। मनुष्य प्राणी जितने भी हैं सबको मरना होता है, सब मर जाते हैं। संजो क्या हुआ, गाधा भी विरुद्ध, गाधा मर गए, गाधा की मृत्यु हो गई, गाधा मर गया। तो गाधा ने उसको बहुत उपकार किया था, उसको गाधा के प्रति लगा कि जब आदमी मरता है तो बाल छिलाते हैं, श्राद्ध कर्म क्रिया होता है, सब कुछ करना पड़ता है, एक गाधा से मेरा बड़ा उपकार हुआ था, इसका भी कुछ कर देना चाहिए। तो गाधा का अंतिम क्रिया करके उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक गाधा का गड्ढा खून कर दे दिया, समाधि बना दिया। समाधि बना करके गधा पे वो फूल पत्र पुष्प जो था वो सब आके वो चढ़ा देता था, पूजा करता था। अब हमारे देश में देख रहे हैं, कहीं जखराज उखड़ जाता है, कहीं झुमराज उखड़ जाता है, कहीं ढेरी देवी देवता उखड़ जाता है, ये कोना वो कोना। अभी सुपौल जिला में प्रताप एक महादेव जी उखड़ा है, जो जेल में रहा 3 महीना, महादेव थाना में रहा, फैसला हुआ तब जो उसका मंदिर बना। यादव के खेत में मिला था, अब ब्राह्मण गाड़ा था तो यादव का मेरे खेत में भगवान उखड़ा है, मेरा है, अब ब्राह्मण के नहीं मेरा, हम लोग पुरोहित हैं। 3 महीना के बाद फैसला हुआ, अभी मंदिर बन गया है तो भरम बहुत बढ़ता है। तो वो गधा की जो समाधि थी वहाँ पूजा करने लगा। पूजा करते करते कुछ दिन बीत गए, एक दूसरा आदमी उधर से जाइए, नया समाधि, नया भगवान कोई आया है लगता उखड़ा है। तो वो जाके वो भी वहाँ पर जा रहा था कोई मन्नत मांगने के, सर यही मांग लेता हूँ, दूर काहे जाएँ। संजोग से ऐसा था, उसका काम हो गया, मेहनत किया, परिश्रम किया, काम तो मेहनत के बाद होना ही है। तो कारे ये तो बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ है, ये तो बढ़िया लगता है, समाधि है किसी महापुरुष की समाधि, वो अभी आकर के वहाँ पर पूजा करने लगा। अब धीरे धीरे ये बातें गांव में फैल गई, सभी लोग जा करके वहाँ पर उसकी पूजा करने लगे। तो वो जो पुजारी था जो पहले वाला, अब वहाँ पर जाना कम हो गया लोगों को, वहाँ पर जो दान दक्षिणा था चढ़ना कम हो गया, इनके पास ज़्यादा हो गया, व्यापारी के पास ज़्यादा हो गया, व्यापारी अपना व्यापार छोड़ करके और वहीं बैठ गया। अब जो लोग आए पूजा करने के लिए, आखिर देवघर जाएंगे कुछ चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे, तो वहीं पूजा का गठन उसका शुरू हो गया, धंधा शुरू किया, बढ़िया चलने लगा। तो पहले वाला पुजारी सोचता कि आजकल मेरे यहाँ ग्राहक आता नहीं है, भक्त लोग आते नहीं हैं, उनको पता चला उधर दूसरा नया कोई समाधि मंदिर बन गया है, देवता तैयार हो गया है। तो आके पूछे कि भाई क्या बात है, ये कौन भगवान है, कौन देवता है? कहा देखिए सब आपकी कृपा है गुरुजी, आप ही मेरे गुरु हैं, सब आपकी कृपा है गुरुजी, आप ही की कृपा से सब हो रहा है। अब आपको एकांत में बताता हूँ, ये कोई ना, आपने जो गधा दिया था उसी गधा की समाधि है ये, आपने जो गधा दिया था उसी गधा की समाधि है ये। कहा अच्छा, तो वो जो अलग बात कहा, एक बात बताइए ना आप मुझे, आप जो वहाँ पर जो भगवान है, आपके जो देवता वो कौन है? कहा सुनो मैं तुमको इधर बताता हूँ, किसी से कहना नहीं, मैं जो समाधि बना के बैठा हूँ, मैं जिसकी पूजा करता हूँ, इसी गधा की माँ है वो, इसी गधा की माँ है वो, तो पूरी दुनिया वही पूजा करने में लगे हुए हैं, विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते हैं। और सद्गुरु कबीर कहते हैं,
विवेक विचार न करे कोई और सब खलक तमाशा देखे लो। सभी प्रकार लोग खलक तमाशा देखते हैं, विवेक विचार नहीं करते हैं, मन प्रश्न नहीं करते हैं, कारण कार्य की व्यवस्था को नहीं समझते हैं। जब हम कारण कार्य की व्यवस्था को समझते हैं, ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड ब्रह्म अल्लाह जो भी कहिए, वो आपसे अलग कहीं नहीं, उसकी कोई सत्ता नहीं है, आप हैं, आपके अंदर वो शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने को जगाइए, अपने को चेताइए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और टाइम बहुत हो चुका है, रात में मैंने चर्चा की, साहिब बंद, यही साहिब आ गए हमारे, दो शॉट लेकर आए, फिर भी मैं दो बार चिलम को फोड़ा, अभी पी करके आया है, ये अभी पी ही रहा था, गजब के आदमी है। मैं मानना पड़ेगा आप वीर हैं, जादव हैं, अगर वंश भगवान किस वंश में कोई है, आप जैसा वीर पुरुष है, महंत है, बताइए। अब बच्चे को क्या शिक्षा, क्या संस्कार देंगे हम लोग, जिसका बाप हो गंजेड़ी बेटा पिए तो कौन कहेगा उसको नशेड़ी नहीं कहेगा, बाप हो शराबी बेटा पिए तो क्या है खराबी। इसलिए हमारे समाज में आदर्श क्यों नहीं बढ़ रहा है, सत्संग होता है, लोग क्यों नहीं आकर्षित हो रहे, क्यों नहीं आते इस समाज में, क्योंकि वो देखता है, यहाँ के नई पीढ़ी के लोग, बच्चा देखता है कि मंच पे बाबा लोग भाषण देता है और पीछे में जाके गांजा पीता है। आखिर उन्हीं लोग चलते ना सब बदनाम होता है, आदमी गलती करता है, और बच्चे लोग तो नहीं जानते, वो तो जानते हैं जैसे ये साधु ऐसे वो साधु हैं, साधु तो साधु हैं, महंत महंत हैं, तो वो सोचते हैं जैसे वो बिंदेश्वर साहब पीते होंगे वैसे ये महात्मा लोग भी पीते होंगे, सीधी सी बात है। तो महंत का मतलब मोह का अंत हो जाना, महान आत्मा हो जाना। इस क्षेत्र में वो बात नहीं है, रामगढ़ में एक बार की घटना है, एक महात्मा जी मिल गए मुझे, उनका नाम था जगदीश साहब, इस क्षेत्र के बहुत लोग जानते हैं, वो भी महंत हैं। अब महंत इतना सस्ता है, इस क्षेत्र में बहुत महंत मिलेंगे आपको, चल जाएंगे यहाँ से, क्या नाम है कहते काशी, और वहाँ पर बड़े महंत बैठे हैं, पंजा दे देगा, सब महंत बन गए, अपने तन की शुद्धि नहीं शिष्करण की आस, कबीर देव ने कहा था। गुरुवा तो सस्ता फिरा, गुरुवा तो घर घर फिरे, मंत्र हमारी ले अटे डूबो चाहे बोलो टका परदनी दे। ऐसे महंतों की कमी नहीं क्षेत्र में, गांजा भी पियेंगे, भांग भी पियेंगे, सिगरेट भी पियेंगे, सब कुछ करेंगे। एक बार मैं गया संजोग से रामगढ़ चौक पर, उनसे मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा आप यहाँ महंत का सम्मान नहीं होता। हमने कहा किस महंत का सम्मान नहीं होता है, कहा हम लोग कहाँ के महंत हैं, ऐसे भी महंत है। अररिया जिला में एक महंत से बोले मुलाकात हुई, पांच बेटा तीन बेटी पांच पुतो चार पोता, सबके सब मांसाहारी, सबके सब गंजेड़ी भंगेड़ी शराबी, अब बाप महंत बना है, उसका 300 सेवकान है, 300 चेला है, अपने घर में कोई सम्मान नहीं है, सब गंजेड़ी भंगेड़ी बना हुआ है और वो महंत बने। ऐसे महंत से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। मैंने कहा महंत का महंत है, मैंने महंत का तीन अर्थ होता है, पहला या तो वो किसी आश्रम मठ मंदिर को संभालता हो चलाता हो, अगर ऐसा नहीं है घर में परिवार में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आत्मा उसकी महान हो गई हो, जिसकी आत्मा महान हो गई, महान कर्म करने लगे हो, अच्छा कर्म करने लगे हो, निर्मल जीवन जीने लगे हो, या जिसका मोह का अंत हो गया है, किसी भी विषय वासना उसका मोह नहीं रह गया है, महंतो महंता महानता, उसको हम महंत कह सकते हैं, उसको महान कह सकते हैं। तो महंत का अर्थ होता है अगवा, जो आगे जाते, आगे मतलब जो रास्ता दिखाए हमको, रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति का धर्म और कर्तव्य होता है उनका जीवन निर्मल हो, उसका जीवन पवित्र हो। महापुरुषो येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से चलते हैं उसी रास्ते से पीछे वाले लोग भी चलते हैं, जिस रास्ते से महापुरुष चलते हैं उसी रास्ते से पीछे वाले चलते हैं। और मंच पे उपदेश दिया जाता है, माता पिता आदरणीय है, माता पिता की पूजा करो, माता पिता जैसा करे, माता पिता जैसे कहे वैसा हमें करना चाहिए, वैसा हमें चलना चाहिए। अब बाप पीता है दारू, पीता है दारू तो बाप बेटा भी पिएगा, बाप पीता है गांजा तो बेटा भी पिएगा। एक महात्मा जी हमसे कहे, बच्चा मुरलीगंज के एकदम लंबे लंबे दाढ़ी लंबे लंबे चटा खूब बड़े महात्मा, देखे गांजा पीते। मैंने कहा साहेब जी आप का बेटा तुम नहीं समझोगे, ये शंकर जी की बूटी है, हमके धन है प्रभु, ये शंकर जी की बूटी है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो साहेब कहते हैं ये भरम की गांजा में सुख मिलेगा, गांजा में सांदे, जब तक आपका जीवन विषयों से अलग नहीं होगा तब तक आप ये सुखी नहीं हो सकता है, आनंद नहीं आ सकता। आनंद चाहते हैं
तो आप सबसे पहले जो दुर्व्यसन है, जो आसन व्यसन है आपका, भोजन है गलत, खान पान है गलत, रहन सहन है गलत, उसका त्याग करिए। पहले छोटे छोटे दुर्गुणों का त्याग करिए। मेरे हरि साहब बता रहे थे रात में जो विषय था श्राद्ध का, तो मैंने श्राद्ध विषय पर चर्चा किया, तो कोई इनसे बता रहे थे कि साहब जी तत्व की चर्चा नहीं किए। मैंने कहा तत्व क्या, धरती पर दो तत्व होते हैं, एक जड़ तत्व दूसरा चेतन तत्व। अब विद्यार्थी है नर्सरी का और वहाँ पर आप PhD की पढ़ाई करिए तो मास्टरों पागल विद्यार्थियों पागल नहीं है। अब कोचिंग खुला हुआ है साइंस का, विद्यार्थी आया हुआ है साइंस का और वहाँ पर जा करके पढ़ाई करना शुरू कर दे आर्ट्स पेपर का, क्या होगा, दोनों पागल का अलग निकलेगा। तो जिस प्रकार का श्रोता हो, जिस प्रकार का समाज हो, उस प्रकार की बातें कहनी चाहिए, उस बात की चर्चा करनी चाहिए। श्रोता है श्राद्ध में आए हैं पाखंड का या कर्मकांड का, क्यों हम लोग कर्मकांड करते हैं, क्यों हम लोग पाखंड करते हैं, क्यों हम लोग भरम में जीते हैं, उसका निराकरण होना चाहिए। बीज चाहे जितना सुंदर हो, ये हमेशा याद रखिए, हाइब्रिड का बीज है, और खेत अगर आपका प्रति है उसमें पौधा जन्मेगा, गाछ उगेगा। खेत को गोड़ दिए हम, कोड़ दिए हैं, हलम हल कर दिए, धुरा उड़ रहा है खेत से, धुरा उड़ रहा है खेत से, अब बुन दिए हैं, बीज डाल दिए हैं, तब पौधा उगेगा नहीं होगा, क्यों, धोरा उड़ रहते हैं, उसमें हाल चाहिए, नमी चाहिए। हाल जब आ गया खेत में, पहले जोतेंगे, फिर नमी होनी चाहिए खेत में, हाल होना चाहिए। हाल हो गया खेत में, बीज बो दिए, चले गए हम प्रयागराज तीर्थ करने के लिए, बीज के साथ साथ क्या आया, घास भी आ गया, विकार भी आ गया। तो घास ज़्यादा बढ़ता है पौधा से, नहीं कमाए अब गोभी को, मटर को, टमाटर को, मकई को, तो होगा वो, अब घास उसको झांप दिया, हम तीर्थाटन करें 6 महीना के बाद आए, फसल उपजेगा, तो बीज बढ़िया होने से क्या हो जाएगा। उसे ज्ञान की बात अच्छी हो, लेकिन अगर हमारा भीतर श्रद्धा से भरा नहीं है, हमारा भीतर साफ नहीं है, किरासन तेल वाले बर्तन में जिसमें किरासन तेल लगा हुआ अगर दूध डालेंगे, खीर पूरी डालेंगे, तो क्या होगा, गंध करेगा, खराब हो जाएगा। तो पहले भीतर साफ होना चाहिए हमारे, पहले मन निर्मल होना चाहिए, और उसके बाद अध्यात्म के ऊंची ज्ञान उसमें प्रवेश करेगा तो उसका हमें लाभ मिलेगा, तभी हम लाभ ले सकते हैं। तो खेत हम जोतवे नहीं करेंगे, जीवन रूपी खेत को जोतना क्या है, सत्संग ध्यान साधना मन की निर्मलता। पानी क्या है, हाल क्या है, श्रद्धा गुरु संतों के प्रति श्रद्धा विवेक। और कचरा निकालना क्या है, ध्यान, अपने जीवन का निरीक्षण करना, कौन से विकार, कौन से लोत, कौन से आदत हमें परेशान कर रही है, हमें पीड़ित कर रहा है, हम उनके प्रति सजग होकर के उनको हटाएं। जैसे खेत से कचरा हटाते हैं, उसे अपने मन से विकार को हटा दे, ये मन निर्मल हो जाए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। यह मन निर्मल हो जाए, यह मन पवित्र हो जाए, तो वह थोड़े देर के लिए हो जाए हमारा जीवन, तो कल्पों के बेकार जीवन से अच्छा होगा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरति थिर होए, कहा है कबीर वह कल्प, वह पलक कल्प बराबर होए। हमारा तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, वचन स्थिर हो और सुरत निरत दोनों थिर हो जाए, तो यह जो समय होगा वह थोड़ी देर का समय हमारा कल्पों के समान होगा। इसके लिए हम सब लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग बैठते हैं, सत्संग करते हैं, यही जीवन का उद्देश्य है। हम आप सब लोग सत्संग में आकर के सत्संग में भाग लें और पुनः मैं श्री बिशो साहेब जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने बातों को देता हूँ विराम और आप सबके अंतःकरण बैठे परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। इस विचार को आप लोग सुन रहे हैं, इस प्रकार के और भी विचारों को आप लोग श्रवण कर सकते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, सबके पास मोबाइल रहता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यूट्यूब का चैनल है स्वामी शैलेंद्र सुखी जीवन की कला, और अभी आप लोग इसको लाइव भी देख रहे हैं शायद, नहीं रिकॉर्ड, आप इसको यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं, अध्यात्म रहस्य चैनल भी है और स्वामी शैलेंद्र सुखी जीवन जीने की कला, ये दोनों चैनल है जिस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अपने घर में परिवार में देखें, इनको फेसबुक ला व्हाट्सएप पर शेयर भी करें और लोगों को संदेश दें, अच्छा बने अच्छा बनावें, ये सत्संग की जीत है। इसके लिए हम लोग सत्संग करते हैं, आप लोग आए, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं विश्व साहब जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने बातों को देता हूँ विराम और आप सबके अंतःकरण बैठे परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।